अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नहायत खूबसूरत खूबसीरत नेक और वालिदैन का फरमा दार पैदा हो तो ये अमल आप ज़रूर करें। वो अमल क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी ज़ौजा हामला है या ख़ुद कोई मोमना सुन रही है तो वो भी ये अमल ख़ुद कर सकती है। आप देखें कि हालत हमल में इसीलिए बहुत सारी चीज़ों से मना किया गया है कि उनके असरात होते हैं, बच्चे पर असरात होते हैं। अब कोई गाने सुन रही है औरत, गीबत कर रही है और इसी तरह कोई रिज़्क़ हराम खा रही है तो उसका भी बच्चे पर शिकम में असर पड़ता है। तो इसी तरह जो अल्लाह के नाम हैं उनके भी बड़े गहरे असरात होते हैं। तो ये आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूबसूरत खूबसीरत और वालिदैन का ताबे हो तो ये अमल दौरान हमल आपने करना है। क्या अमल है? कि हर रोज़ 41 मरतबा, इतना मुश्किल अमल नहीं है, आसान अमल है, हर रोज़ 41 मरतबा या कुदूसो ये अल्लाह का नाम है, इसे पढ़कर पानी पर या दवा जो वो औरत इस्तेमाल कर रही है हमल के दौरान या पानी पर हर रोज़ाना ये पढ़कर आपने दम कर देना है और दम करने के बाद ये पानी उस औरत को पिला देना है हर रोज़ाना। यानी जब से उसे अभी आप सुन रहे हैं अमल हुआ है उससे आपने ये कोशिश करनी है कि रेगुलर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जारी रखें। हर रोज़ाना 41 मरतबा या कुदूसो पानी पर दम करके वो पानी वो औरत खुद पी ले या शौहर उसे पिला दे, इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा जो पैदा होगा वो खूबसूरत भी होगा खूबसूरत भी होगा और इंशाअल्लाह ताला वालिदैन का ताबे होगा, वालिदैन की खिदमत करने वाला होगा, उनका नाफरमान नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।